तुम्हें पता है मैं कितना हैरान हूँ, परेशान हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, थोड़ा शॉक्ड भी हूँ। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा नहीं तो क्यों बेकार टेंशन ले रहे? डॉक्टर ने मना किया है टेंशन लेने से, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। अब मुझे जल्दी बताइए किस बात से परेशान है आप? इसी बात से तो मुझे टेंशन होती। किस बात से? यही जो तुम कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जब मैंने तुमसे कहा कि मैं टेंशन में हूँ तो बात सुनकर तुम भी टेंशन में हो। हाँ तो? तो मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मिस क्यों करता हूँ। जब तुम पास होती हो, मेरे करीब होती हो तो मैं खुश रहता हूँ, जब तुम नहीं होती हो तो मैं अजीब हो जाता हूँ। पर मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ? क्यों मैं तुम्हारी वेट करता हूँ? क्यों मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ? क्यों मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ? क्या है मेरे दिल में तुम्हारे लिए? देखो दोस्त तो मेरे और भी है, लेकिन किसी से मेरी तुम्हारी जितनी अटैचमेंट नहीं। हमारा रिश्ता दोस्ती का है या फिर किसी और का? तुम चुप क्यों? बोलो ना, क्या रिश्ता है हमारा? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरे भाई की संगीत सेरेमनी, और आज मैंने उनके लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज, एंड आई होप इनके साथ साथ आपको भी वो सरप्राइज पसंद है। भाई यहीं पर रुकना, मैं भी आई। ओके, आई विल बी बैक। वो जो तुमने मुझे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा तो सरल तरीके में समझाना, तो समझाना क्या? अरे वो जो तुमने मुझसे कमरे में कहा था, वो कविता, वो भारी वाला। हंस क्यों रही हो? बोलो ना, कोने में चलकर बताओगे? अरे ने कहा ना ये पर खड़े रहना है। हाय तनु, तुम? हाँ मैं, और अब मैं ही रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। हाँ ना, किसने बोला? क्या बात कर रहे थे तुम? क्या समझाने वाली थी ये तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, मैंने सुना तुम कह रहे थे कि सरल आसान शब्दों में तुम्हें ये कुछ समझाएगी। वो इसने मुझे कविता सुनाई थी, तो कविता बहुत भारी थी ना, तो समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इससे कहा था कि वो सरल भाषा में समझा। ये तुम्हें कविता की सुना रही थी? सी? कविता का क्या? सुना लो ना? नाम क्या था कविता का? कविता तो खुद नाम ही है। हमारा रिश्ता। तुमसे किसी ने पूछा? अभी तुम बताओ क्या थी वो कविता? हमारा रिश्ता जैसे बादाम और पिस्ता, जैसे फुटबॉल और इनिएस्टा, जैसे दांत और घिस्ता, जैसे गुस्ताबो और रिश्ता। मिस्टर दास, जिससे आस्ता लविस्ता। मिस्टर दास, जब सुबह से अपनी शक्ल नहीं दिखाई तो आपके अपना मनहूस चेहरा यहाँ पे लेके आ गई, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। तनु, संगीत तुम्हारा है, ऐसे मुंह लटकाओगी तो फोटो नहीं अच्छी आएगी। बकवास बंद करो। बकवास नहीं है, सच्चाई है, जिसे तुम देख कर भी अनजान बन रही हो। तुम जिसे अपना होने वाला पति कहती हो, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। शादी तुम करना चाहते हो, लेकिन उनके दिल की डोर मुझसे बंधी। और आज तो तुमने नोटिस किया ही होगा ना कि तुम्हारे संगीत पे वो मुझे ढूंढ रहे थे। जब तक मैं नहीं आई उनका मन ही नहीं लग रहा था, और जब मैं आई तो सीधा मेरे पास चले आए और मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। इसीलिए मेरी बात मानो, ये संगीत वंगीत छोड़ो, घर जाके सामान पैक कर दो। यू तनु, क्या कर रही हो? मैं संगीत वाले दिन यहाँ पर तमाशा खड़ा करूंगी। मुझे मत रोको, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
जस्ट रिलैक्स तनु। जिस तरीके से घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो गरीबों को दान करते हैं ना, वैसे कभी कभी दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। इस बेचारी का क्या है, असली खुशी तो तुम्हारी झोली में आई। तुम्हारा भाई के साथ संगीत है, शादी तुम्हारे भाई के साथ होने वाली है, इस बेचारी को जाने दो। तुम अपना काम करो। अरे पूरा बाग है खड़े क्या? और हम तीनों के साथ साथ इस मॉन्टाज में हमारी फैमिली की भी कुछ क्लिपिंग्स है, एंड आई होप आप सब लोगों को वो पसंद आए। आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली। सो कम ऑन, आर यू ऑल रेडी फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द इवनिंग? Hi, this one is for you, only for you. I love you. Lights off. बंद करो। नहीं दादी, चलने दीजिए। देखने तो दीजिए कि है क्या और इसका सच क्या है। तो ये सब आलिया का प्लान था, सरप्राइज नहीं, उसने तो सबको शॉक दे दिया। दिस इज अमेजिंग आलिया। लाइट्स ऑन। ये बकवास है, झूठ है ये सब। अभी ये सब बकवास है, ये झूठ है। अभी ये सब मैंने असली चेहरा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बापू रब्बा, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, एक जेंटलमैन मानती थी। दिली दिल में मैं तुम्हें चाहती भी थी पूरा, और हमेशा सोचती थी कि पूरा को पता तो होगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो वो कभी मुझे सामने से कुछ कहता क्यों नहीं। फिर सोचती थी कि शायद तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बहन हूं, इस वजह से तुम वो फीलिंग्स कभी रेसिप्रोकेट नहीं करते थे। जानते हो वो देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई। तुम्हारी इस ऑनेस्टी को देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होने लगा। दोस्ती सिर्फ इसलिए रखिए या तो अपना मतलब पूरा कर सके या तो दिखावे के लिए बस। अगर ऐसा है ना तनु, तो बहुत गलत किए हैं दोनों ने। लगता है दोनों की सोच इतनी मिलती है तभी शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू कॉल कंपैटिबिलिटी, राइट? एक बार भी भाई के बारे में नहीं सोचा, और मैं इनके बारे में क्यों सोचूं? मैं क्या हालत हो गई है भाई की इस वक्त? क्या महसूस हो रहा होगा उन्हें? He must be feeling so hurt. उनकी खुद की सेक्रेटरी जिसको उन्होंने इतना क्लोज रखा, उनका खुद का बेस्ट फ्रेंड, उन दोनों ने ये बात छुपाई।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।